तो चंद्रावली, हम इस स्थान पर शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो स्थान को पहले हम स्वच्छ कर देते हैं, इसकी पूजा कर लेते हैं, ताकि ये इस शुभ कार्य के लिए उतना पवित्र बन जाए, सज्ज हो जाए, है ना? हाँ हाँ, क्या उचित बात कही है कारा। आओ माधव मंगल और श्रोत कृष्ण, आओ आओ, शुरू हो जाओ। राधा, मुझे लगता है कि हमें भी अपनी प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। चलो। थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी ध्यान से राधा। चल। राधा, क्या कर क्या रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो इसमें क्या हो गया? इसमें भड़कने की क्या आवश्यकता है? अच्छा अच्छा, ध्यान दो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। सुनो सखी चंद्रावली। बोलो सखा। देखो, लिंग का निर्माण तो मैं ही करूंगा, किंतु तुम्हें यमुना तट से माटी लानी होगी। तत्पश्चात तुम्हें कुम्भारों के साथ मिलकर उसे गूंथना होगा, ताकि जब हम उससे लिंग बनाएं तो वो माटी टूटे ना। देखो तो, हर काम में सहायता सबके लिए रहा, किंतु बात केवल अपनी प्रिय सखी चंद्रावली से कर रहा है। संगनी भी उसे ही कह रहा है। प्रतीत होता है कि ये सब वो जानबूझकर कर रहा है, केवल मुझे सताने के लिए। अरे कान्हा, यदि ये महाशिवलिंग बनाएंगे तो महाशिवलिंग की महापूजा भी तो होगी। हाँ, तो महापूजा के लिए सामग्री हाट से जाकर लानी तो पड़ेगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं सखी चंद्रावली, हम जाके सामग्री ले आते हैं। दो मुझे। चलो मधु मंगल, तो चलते हैं। आइए चंद्रावली। चंद्रावली देखना, ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। राधा रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा आप लोग आगे जाइए, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करके आता। क्या हुआ महादेव, आज कैलाश छोड़कर आप पृथ्वी पर ध्यान कर रहे हैं? वैसे प्रणाम। प्रणाम नारायण। वो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है ना, तो महादेव हूं, पृथ्वी लोक पर तो आना ही होता है। हाँ वो तो है, किंतु यदि बहन गौरी के समक्ष मेरा पक्ष लोगे तो यही होगा। देख लिया ना, कैलाश छोड़ना पड़ा। आपको भी ज्ञात है इस विषय में? भूल मेरी ही है नारायण, जो मैं त्रिकालदर्शी से कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा। आपसे भूल ये हुई कि आपने गौरी के समक्ष मेरा पक्ष ले लिया महादेव, क्योंकि जिस स्थिति में मैं हूं, जिस समय में मैं हूं,
मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरी राधे मानेगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कैलाश लौटना असंभव हो जाए। मेरा कैलाश लौटना असंभव हो जाए क्यों? आपके कहने का अर्थ यह है कि मैं महादेव महाशिवरात्रि पर अपनी गौरी के साथ नहीं होऊंगा। देखिए, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए नारायण, कोई तो उपाय होगा, सहायता कीजिए ना। देखिए, ये समस्या बहुत ही गंभीर है, तनिक सोचने दीजिए मुझे। हाँ, एक उपाय है। क्या? अब आपको भी मेरी ही भांति परिश्रम करना होगा, वो भी मेरे साथ मिलकर। परिश्रम? हाँ, करना तो होगा, क्योंकि यहाँ पे बात केवल मेरे प्रेम की तो नहीं है, आपका कैलाश लौटना भी इस पर ही निर्भर करता है। यही एकमात्र विकल्प है मेरी दृष्टि से। चलिए। आप महादेव, माना कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, किंतु आप इस रूप में जाएंगे? हम मनुष्य योनि में हैं। उचित। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इस प्रतियोगिता का निर्णायक नहीं बन सकता हूं। यदि मैंने राधा को विजेता घोषित कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? रहने दीजिए भैया, विजेता तो हमारा कान्हा ही होगा। अरे ऐसे कैसे जीजी? मेरी राधा को अनुभव है, विजेता तो हमारी राधा ही होगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, निर्णायक कौन बनेगा? मेरे विचार से मेरे पास इसका एक सुझाव है। आइए। ये क्या बताऊं, जन्म से हमारे संबंध तो नहीं, किंतु भावों से हमारे अनंत संबंध। मेरे सखा है, मेरे ज्येष्ठ समान, आयु में अधिक है किंतु इनका मन बच्चे की ही भांति भोला है, और उसी की भांति है इनका नाम। लोग इन्हें बटुकनाथ कहकर बुलाते हैं। आसिप तो इनको वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा, ये आए कहां से? कैलाश से। अर्थात? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कैलाश जितनी ही दूरी से आए, बटुकना बैठो ना। जानते हैं आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन महादेव
और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा? आज उनकी पूजा की जाती है और इसीलिए आज के दिन हमने शिवलिंग निर्माण की प्रतियोगिता रखी है। अच्छा, आप सब जानते हैं महादेव के नाम से इनका नाम रखा गया है, अटूकनाथ। हमारे गांव से तो है नहीं, निष्पक्ष हैं, किसी का भी पक्ष ऐसे ही नहीं लेंगे। तो मेरे विचार से हमें इस प्रतियोगिता में इन्हें ही निर्णायक बना लेना चाहिए। क्या विचार है आप सबके? बात तो उचित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा सम्मान देकर आप सबने मुझे कृतज्ञ कर दिया। प्रभु,